देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया बेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर, बुलंदशहर रासियाना पुलिस ने शराब ठेके के सेल्समैन पोई लूट का किया खुलासा। पुलिस ने लुटेरे को किया गिरफ्तार। चार दिन पूर्व सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव घनसूरपुर स्थित देसी शराब ठेके के सेल्समैन से मोबाइल फोन सहित 31,500 रुपए की थी लूट। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से 17,000 रुपए, मोबाइल फोन व बाइक बरामद की। पुलिस ने चार दिन पूर्व हुई लूट का खुलासा किया। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। सर, सियाना पुलिस द्वारा लूट का खुलासा किया गया है, देखिए दिनांक 22 जुलाई को थाना सियाना के गांव घमसूरपुर के एक शराब के ठेके पे लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें जो सेल्समैन था उसको चाकू मार के उससे पैसे और उसका मोबाइल ले गया गया था। इसमें थाना सियाना की पुलिस तथा स्वाट टीम जो है दोनों की संयुक्त कार्रवाई में दो व्यक्तियों को सर्विलांस तथा अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः शिवम पुत्र इकबाल जो करौठी सियाना का रहने वाला है तथा आशु पुत्र सतवीर जो कि सेहल बहादुरगढ़ का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने अपने एक साथी हिमांशु जो नरेला का रहने वाला है उसके साथ मिलकर इस शराब के ठेके पर लूट की थी। ये भैसोड़ा में एक राहुल है उसके घर पर आते जाते थे, उनके साथ इस ठेके पे शराब पी जाती थी जाके। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने इस ठेके पे लूट करने का प्लान बनाया था। जो अभियुक्त फरार है हिमांशु, उसकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से जो मोबाइल फोन गया था वो 17,000 रुपए तथा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। सुसंगत धाराओं में इनको चालान करके इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें जो एक फरार अभियुक्त है हिमांशु, उसके ऊपर दिल्ली में नरेला तथा बवाना में लूट के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये जो व्यक्ति आशु है जो सेहल का रहने वाला है इसके ऊपर फरीदाबाद में 376 का मुकदमा, आईपीसी 376 का मुकदमा पंजीकृत है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।